हाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज देव त्यागी एंड आप सभी का स्वागत है रैपिड लीक्स में. टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी स्पेशल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग. एक ऐसे समय में जहाँ पे कि जो शब्द है रोल मॉडल और हीरो, उसकी परिभाषा आमतौर पर क्रिकेटर्स, स्टार्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बिग कॉरपोरेट मोगल्स, उनके अलावा कहीं और किसी और दृष्टि में नहीं जाती है. बहुत ही अनोखा अनुभव होता है कि आप कोई ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी हस्ती से आपकी गुफ्तगू हो पाए जो कि सही में दम रखते हैं एक रोल मॉडल फिगर होने का. तो आज एट रैपिड लीक्स हमें एक बड़ा ही अनूठा अवसर मिला है कि हम एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि अपने लिए ना सोच करके औरों की वेलबींग के लिए, औरों की भलाई के लिए सारी जिंदगी काम करती रही हैं. तो आज हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में है मिस मीना सिंघल जी, नमस्कार. जो कि काफी समय से सोशल वर्क कर रही हैं. समाज सेवा में इनका बहुत दमखम रहा है, बहुत जोर से काम करती रही हैं. तो टुडे वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने अपने करियर में, अपने कार्यकाल में सोशल वर्क में क्या काम किया है, किस लेवल पे ये इन्वॉल्व रही हैं और कौन सी कठिनाइयां, परिस्थितियों को ये पार करके एक ऐसे स्तर पे पहुंची हैं जहां पे इनके पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि इनके पास सारा वक्त है औरों की मदद और सहायता करने का. सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेलकम ऑल टू रैपिड लीक्स. थैंक यू देव. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि आप काफी समय से सोशल वर्क करती आई हैं. कौन सी दिशा में आपका ज्यादा जोर फोकस रहा है और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ आज से 8 साल पहले, क्योंकि मेरे आसपास जो बच्चे थे बहुत मतलब गरीब बच्चे रहते थे रेंट पे, आसपास के जो एरिया था, और उनके पास ट्यूशन्स वगैरह होते नहीं थे, पैसे नहीं थे इतने कि वो ट्यूशन कर सकें या भाई पढ़ाई के खर्चे अफोर्ड कर सकें. तो उस तब मैंने ये स्टार्टअप किया था. कुछ लोग आए थे मेरे पास कि मैम अगर आप मेरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर भेजो अपने बच्चों को. और यहाँ से मैंने स्टार्टअप किया है. तो मतलब एक बेसिक लेवल पे आपने स्टार्ट हाँ किया? बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया था. उसके बाद मुझे ये अच्छा लगने लगा कि भाई मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ और मेरी वजह से कुछ बच्चे तरक्की कर रहे हैं. तो मोस्टली उनके बच्चे 9th क्लास तक बाद पढ़ाई बंद हो जाती थी. उसके बाद जब मैंने उनको स्टार्टअप किया तो उन बच्चों के लिए पूरा सारी सुविधाएं देने की कोशिश करी, लोगों की हेल्प भी मांगी मैंने काफ़ी कि भाई इन बच्चों के लिए बुक्स वगैरह या जो भी फंड्स वगैरह करने हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प ली कि भाई इनके बच्चों के लिए करते हैं हम लोग मिलके. और कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया, मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कुछ संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ आप अपने पर्सनल स्तर पर भी सोशल वर्क करती हाँ, हैं. मैं 3-4 संस्था है जिनसे जुड़ी हुई हूँ. जी, पहले सबसे फर्स्ट में मैं सार्थक प्रयास से जुड़ी थी. सार्थक प्रयास? हाँ जी, सार्थक प्रयास से जुड़े हुए मुझे 4-5 साल हो चुके हैं. वैसे वो 16 साल पुराना है. ओके. हाँ, और उसमें 10 सेंटर हैं जिसमें 40-40 बच्चे स्टडी करते हैं और उनका पूरा खर्चा सार्थक प्रयास उठाता है. उनकी प्रॉपर खर्चा मतलब बुक्स से लेके, खाने से लेके, कपड़ों से लेके सब. और एक उनका सेकेंड इनिंग होम है जो छतरपुर में है, वहाँ भी मैं जाती हूँ. ओल्ड एज? हाँ, ओल्ड एज होम है और वहाँ मोस्टली 12 से 15 लोग रहते हैं. तो आपको अपने जीवन में कौन से पड़ाव में ये एहसास हुआ कि आप अपनी आगे की जिंदगी औरों के कल्याण, औरों के कार्य के लिए लगाना चाहेंगे? आपको व्हेन डिड यू रियलाइज दिस? हाँ, मेरे आसपास कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थी, ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, स्टडी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब पढ़ाई से तो मतलब ही नहीं है उनका. जी. तो वहां से मैंने सोचा कि भाई अगर मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं तो इनके बच्चे भी पढ़ सकते हैं. मेरे यहाँ जो काम करती थी उनसे स्टार्टअप किया और वहीं से मेरा मन जो बन गया था कि भाई मुझे इनकी हेल्प करनी है. ये बताइए कि जैसे आपका तो सारा काम 24 घंटे दिन के आपका सोशल वर्क में जाता है, तो एक नॉर्मल हफ्ता आपके लिए हाउ डज योर वीक लुक लाइक? मतलब मंडे टू संडे व्हेन डू यू स्टार्ट योर डे, हाउ डज इट, पूरा आपका जो कार्य की शैली रहती है हर रोज, वो कैसा आपका एक रेगुलर दिन कैसा बीतता है? नहीं, मेरा प्रॉपर पूरा हफ्ता जो होता है जी वो सेवा के लिए जाता है. जी. हाँ, पर्सनली अगर मैं कहीं घूमने गई हूँ तो अलग बात है. एग्जाम्पल, मंडे मॉर्निंग व्हाट यू डू व्हेन यू गेट अप फर्स्ट? मतलब मंडे जैसे सुबह मैं उठी हूँ, जी. उसके बाद हमारा होता है कि हफ्ते में एक बार हमें ओल्ड एज होम जाना है, इनिंग होम. वहां पे हम अपने हाथ से खाना बनाते हैं और फिर उनको खिलाते हैं.
अलग अलग ओल्ड एज होम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही ओल्ड एज होम जाना है। मान लो सार्थक प्रयास है, एक उदार करता है, और भी काफी उदार करता। हाँ अच्छा। और भी काफी हैं जिसमें मैं जाती हूँ, और हम लोग एक दो लेडीज और जाना चाहें तो वो भी जाती है मेरे साथ, और वहां पे सभी जानते हैं मुझे, कुक वगैरह, तो वहां मैं खुद खाना बनाती हूँ। right. हाँ, ये नहीं कि मार्केट से खरीदा ले गए या घर से बना कर ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। किचन में प्रॉपर जाती हूँ, चेक करती हूँ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, उसके बाद प्रॉपर खाना मैं खुद बनाती हूँ, खिला के, मेडिकल वगैरह की उनको पूछ के, वहाँ उनकी जो भी दिक्कत है, अगर वो मुझे जैसे किसी चीज़ के लिए भी बोलते हैं, तो फिर मैं बाहर उस चीज़ के लिए कोशिश करती हूँ कि कहीं से उनको हेल्प दिला सकूँ। तो आपके साथ कोई वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं इस काम में, ताकि थोड़ा आपको भी आराम हो, थोड़ी और सहायता, क्योंकि ऐसे कार्य में जितने हाथ जोड़ पाए एक मुहिम में उतना ही अच्छा होता नहीं, है। मेरे साथ फिलहाल तो कोई वॉलंटियर नहीं है, मैं अकेले चलती हूँ, लेकिन हाँ, इनर विल से मैं कुछ है जिनसे मैं हेल्प मांगती हूँ कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे ओल्ड एज होम में, या बच्चों की हेल्प के लिए मैंने इनर विल से, मीनू जैन जो हमारी प्रेजिडेंट थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें बच्चों उनके की। बारे में कुछ थोड़ा हाँ, बताइए। मीनू जैन बहुत बहुत ही अच्छी हैं, और मतलब प्रेजिडेंट के तौर में तो बहुत ही, मतलब मैं कहती हूँ कि उनका मुकाबला मैं नहीं कर सकती। बहुत हेल्प की है उन्होंने बच्चों की, और जहाँ जो ज़रूरत हुई उसी टाइम तुरंत एक्शन लिया है उन्होंने हेल्प के लिए, और उसी टाइम हेल्प भी की है पूरा साल उन्होंने, और मैं उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता है। ये जो कोरोना काल आया जिसमें हम सब लोग सिर्फ हमारे घर के ही होके रह गए, क्योंकि बाहर निकलना तो बहुत ही कठिन था, और ये ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कि मैनकाइंड वाज रियली चैलेंज्ड टू द वेरी कोर। तो आपके समाज सेवा के कार्य में कुछ इसमें कुछ कोई खलल हुई या बट और या यू जस्ट कंटिन्यूड विदाउट एनी प्रॉब्लम, नहीं, आपका कैसा मैंने रहा? नहीं अपना काम रुका। अच्छा। हाँ, मैं प्रॉपर मैंने अपना काम किया है। लॉकडाउन में मेरे घर से लंगर बना है जो कि प्रॉपर 300 से 400 आदमियों का डेली बनता था, उसमें हमारी प्रेसिडेंट मीनू जैन ने मेरी बहुत हेल्प की थी, अच्छा। मनी हाफ मनी उन्होंने दी थी इसमें। राइट। हाँ, कि भाई मैं इतना पैसा दे रही हूँ और तुम लगाओ जितना लंगर लगाना है। तो हमारे यहाँ डेली 300 से 400 लोगों का खाना जो पैक करके अलग अलग गाड़ियों में निकलते थे बच्चे देने के लिए, और जगह जगह हमने प्रोवाइड करवाया है। मेरे घर के आसपास जो लोग थे जिनके यहाँ खाना नहीं था, उनके हम खुद जाके खाना दे के आए हैं एरिया में, यहाँ पास में संगम बिहार देवली, एरिया, संगम देवली, संगम बिहार। बिहार, दुर्गा बिहार, इसमें बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास चार चार दिन से खाना नहीं था, मकान मालिकों ने रूम बंद कर दिए थे कि भाई बाहर नहीं निकलना है, कोरोना टाइम है, और मेरे पास कॉल्स आए थे बहुत ज़्यादा कि भाई हम यहाँ फंसे हुए हैं और हम खाना नहीं है, हमारे पास दिक्कत है, तो हम लोगों ने उनके घर खाना भिजवाया था। तो हमारे मेरे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस लॉकडाउन के अंदर। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों की नॉलेज के लिए भी, कि जब कोई भी इंसान सेवा करने की ही दृष्टि से ओल्ड एज होम जैसी जगह जाता है, जो कि सेकेंड इनिंग्स होम कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी दुखद किस्से उभर के आते हैं, हाँ, तो उसमें से आप कुछ बताइए, कुछ कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको झकझोर के रख दिया, और कोई कोई ऐसी आप बीती किसी की, बूढ़े एक लोग। बेटे हैं जो मतलब मेरे बहुत अटैच हैं, और उनकी मतलब 6 साल की थी जब उनकी मोम की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके फादर ने दूसरी शादी की, और 9-10 साल में उसकी शादी कर दी गई आंटी जी की। शादी के 3-4 साल बाद उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कुछ नहीं पता उनको। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम कर करके पाला है। पालने के बाद उन्होंने अपने 15-16 साल के बच्चों की शादियां कर दी, जी लेकिन वो घरों में ही काम करती रही पूरी लाइफ। मतलब एक 12-15 साल से स्टार्टअप हुआ था उनका काम का, वो अमृतसर की रहने वाली हैं। अच्छा। तो उनका फिर उनकी शादी हो गई, बेटी की दहेज की वजह से डेथ हो गई, दहेज प्रथा की वजह से। हाँ, ससुराल वाले ने उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद वो टूट गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मदर की डेथ, फिर हस्बैंड ने छोड़ा, फिर और अब बेटी की बेटी डेथ, का लॉस। उसके बाद बेटे की शादी की, पोता पोती हुए, वो किसी के यहाँ काम करती थी, जिनके यहाँ काम करती थी वो हेल्प करते थे उनकी। तो क्या हुआ कि उनकी मारा पिटाई शुरू हो गई आंटी की, और बहुत मारने पीटने लग गए बच्चे, उनके बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी। तब उन्होंने, जिनके यहाँ वो काम कर रही थी, उन्होंने इनको सार्थक प्रयास में छोड़ दिया। तो आज वो सार्थक प्रयास में एक
फैमिली की तरह रहती हैं, बिल्कुल सार्थक प्रयास कहना ये सही होगा हमारे दर्शकों के लिए। हम बताएं कि वो उन लोगों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं जिनका आज कोई नहीं है, कोई नहीं है इस समाज में। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक ग्राउंड लेवल पे काफी समय से आप काम करती जा रही हैं, तो आपके पास कभी कोई ऐसे प्रलोभन आए कि लोगों ने कहा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए या सोशल वर्क ही कर रहे हैं तो किसी और स्तर में आइए या हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, आया था, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, पार्टी से आया था, लेकिन मुझे किसी भी पार्टी में जुड़ने से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहती थी। कुछ पार्टीज का मेरे पास बीजेपी से भी आया था, कांग्रेस से भी आया था जुड़ने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं मेरी अभी हाल घड़ी मेरी कोई ऐसे वो नहीं है कि सोच कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। मुझे सिर्फ पर्सनली लोगों की हेल्प करनी है और पर्सनली ही ये काम करना है। अच्छा, जो आपका खुद का काम रहता है सोशल वर्क का, जो आप अपने घर में और अपने नेबरहुड और अपने कॉन्क्लेव में आप करती आ रही हैं, उसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपना ही एक ब्रांड नेम बनाते हैं एंड देन सोशल वर्क, द वे इट इज इन आवर कंट्री टुडे इज लेस अबाउट सोशल वर्क, इट इज मोर अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। पर आप अपनी खुद की कोई ब्रांडिंग एज सच नहीं करती हैं? इसके नहीं, पीछे नहीं, क्या? मेरी कोई ब्रांडिंग नहीं है और ये सिर्फ मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। हम अपने श्रोताओं और दर्शकों को बता दें, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम मीना जी से आज इंटरेक्शन इसलिए कर रहे हैं कि एट अ टाइम वेयर सोशल वर्क हैज बिकम स्लाइटली मोर ग्लैमराइज्ड देन व्हाट इट वाज इन दोज डेज ऑफ द योर, देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू ब्रांड देमसेल्व्स, जो अपनी सेल्फ मार्केटिंग सेल्फ पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करते, और उसमें से एक बहुत ही अविश्वसनीय उदाहरण आप हैं, अगर मैं आपको ऐसा कह सकूँ। आगे चैट को बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कौन से लेवल पे देख रही हैं? लाइक हाउ डू यू वांट टू एक्सपैंड योर सोशल वर्क, कैसे आप ये काम बढ़ाना चाहती हैं? मैं आगे आने वाले 5 साल में बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूं। जैसे कि जैसे मान लो 50 बच्चे हैं मेरे पास, उन 50 बच्चों को मैं स्टैंड कर सकूं, कम से कम, ज्यादा नहीं कर पाऊं उनको सस्टेन करना, उन बच्चों को स्टैंड कर सकूं, ताकि जो प्रॉब्लम्स उसके पेरेंट्स देख रहे हैं कि खाने की प्रॉब्लम है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या जो कुछ पेरेंट्स मतलब कुछ फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास ना कपड़े हैं ना खाने को है, तो उन बच्चों को मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर मैं तरीके से तैयार करूँ, चाहे वो मुझे खुद करूँ या किसी से हेल्प लेके करूँ, लेकिन कम से कम उनको स्टैंड कर सकूँ, और उससे ज़्यादा हो जाए तो बेटर है। एक सवाल मैं और खास पूछना चाहूंगा आपसे कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते तो हैं। आप बता रहे थे कि पर्दा सिस्टम यू आर फेसिंग दैट, तो वो शुरू के दिनों में जब आप बहुत कम उम्र के थे और आपने सब काम शुरू किया, सो देन हाउ डिड दैट हैपन? हाँ, मेरे यहाँ पर्दा सिस्टम है मायके में भी और ससुराल में भी। अच्छा, तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो कुछ ऑब्जेक्शन उठे थे, क्योंकि सोशल वर्क तो डेफिनेटली लोगों से रूबरू होना है, पर्सनली रूबरू होना है, और काफी ऑब्जेक्शन भी उठे, अब भी उठते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं मेरा बाहर निकलना, हमारे यहाँ बाहर लेडीज नहीं निकलती हैं। अब फिर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, उल्टा वो मेरी हेल्प करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप जो जो लोग हमारा ये इंटरेक्शन सुन रहे हैं, वो आर लिसनिंग टू अस एट रैपिड लीक्स, आपका किसी के लिए कोई मैसेज जो कि सोशल फील्ड में काम करना चाहता हो, एनी काइंड ऑफ एनी वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन, एनी मोटिवेशन जो आप किसी को देना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी इसको देख रहा है, अगर हर व्यक्ति एक बच्चे की जिम्मेवारी ले ले तो शायद देश में कोई बच्चा बिना पढ़े नहीं रहेगा और कोई भूखा भी नहीं सोएगा। एक बच्चे की जिम्मेवारी हर परिवार ले सकता है। न्यू जनरेशन अगर इसमें आगे बढ़े, हेल्प करे और एक बच्चे की भी जिम्मेवारी ले कि एक बच्चे को हम पढ़ाएंगे और एक बुजुर्ग की हम देखभाल कर सकते हैं किसी भी ओल्ड एज होम में जाके, जो आज प्रॉपर दर बहुत खुल रहे हैं, छतरपुर में आप जाइए जगह जगह ओल्ड एज होम खुले पड़े हैं और भरे भी हैं, और काफी में तो बहुत स्थिति भी खराब है, तो मेरा मानना है कि सब बहुत बेटर हो सकता है। Absolutely. तो जैसा कि मीना जी ने हमें बताया कि आप सिर्फ अपने लिए जीना तो इज़ वेरी इजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड इट्स वेरी वेरी डूएबल, बट आप औरों के लिए भी जिए, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने गैजेट से, अपने डिवाइसेस से, सोशल मीडिया के बाहर भी एक दुनिया है, और वो दुनिया वहाँ है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नहीं है जीने के। तो आप किसी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं सबसे बड़ा,
तो वो है कि आप उसके लिए अपना वक्त निकाल सकते हैं। तो रैपिड लीक्स में हम आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि टू मेक अ चेंज इन द वर्ल्ड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू योर ओन पर्सनल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। दिस वॉज देव त्यागी इन इंटरेक्शन विद मिस मीना सिंघल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड वी विल कैच यू अगेन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।